वेलकम टू आर के एम एफ। तो आज फेलेवल के बारे में, फेलेवल को 1 स्टार से लेकर 6 स्टार कैसे करें, तो चलिए चलते हैं फेलेवल को देखते हैं। तो ये रही मेरी फेलेवल Tier 2 है। तो सबसे पहले प्रोसेस करते हैं फेलेवल हासिल कैसे करें। तो फेलेवल को हासिल करने के लिए आपको एपिक क्वेस्ट में जाना पड़ेगा, और एपिक क्वेस्ट में जाने के बाद यहाँ पे स्टार लोड का एपिक क्वेस्ट में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक नाम है डिफॉल्ट करके, यहाँ पे क्लिक करके ये दोनों एपी कॉस्ट में इसका बायोस डाल रखा है, और इसका बायोस भी एलिसेप्टर से मिलेगा। लग रहा है आरएनजी देने देगा तो दे देगा, वरना नहीं देगा तो नहीं देगा, क्योंकि ये पूरा डिपेंड आरएनजी पे है। और इसका बायोमेट्रिक्स यहाँ पे भी डाला गया, 25 बायोमेट्रिक्स है, और ये सब क्लियर करने पड़ेंगे तो आपको 25 बायोमेट्रिक्स मिल जाएगा। तो ये अनलॉक होने के बाद आपके पास 1 स्टार की होगी। तो 1 स्टार के बंद करने के बाद 2 स्टार करना होगा। तो आपको मेगा Tier 2 मेगा, आपके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो मेगा रैंक अप टिकट या फिर 2 स्टार रैंक अप टिकट। तो मेरा रिकमेंडेड, आप बिल्कुल भी मेगा रैंक अप टिकट बिल्कुल यूज ना करें, ये बहुत रेयर टिकट है। तो 2 स्टार टिकट मिल जाते हैं इवेंट शॉप से, जो कि चल रहा है अभी इवेंट, ये रहा 2 स्टार रैंक अप टिकट। तो आप फेलेवल को यहाँ से 2 स्टार रैंक अप टिकट लेके 2 स्टार कर दीजिए। और 3 स्टार 4 स्टार करने के लिए आपको 3 स्टार करने के लिए, फिर 2 स्टार ऐसे हो गया आपका, तो 3 स्टार करने के लिए 3 स्टार की टिकट लगेगी, फिर 4 स्टार की लगेगी। ये दोनों टिकट आपको मिल जाएगा। कोई सा भी अपडेट आने से पहले एक इवेंट आता है, तो वो इवेंट से टोकन कलेक्ट करने पड़ते हैं, 80 या 90 टोकन मिलते हैं हम लोग को। तो वो टोकन कलेक्ट करने पे हम लोग को आखिरी रिवॉर्ड मिलता है 3 स्टार रैंक अप टिकट या 4 स्टार रैंक अप टिकट, और कुछ टाइटन बुक्स मिलते हैं। तो वहाँ से भी आप हासिल कर सकते हैं 3 स्टार रैंक अप टिकट और 4 स्टार रैंक अप टिकट। तो इन दोनों को हासिल करना आसान है। तो आप 3 स्टार ऐसे हो गया, 4 स्टार भी हो गया, और हमें 5 स्टार चाहिए। तो 5 स्टार तो नेट मार्बल देने वाला नहीं है, तो ईपी कॉस्ट में चलते हैं फिर से, सॉरी इवेंट कॉस्ट में, क्या बोल रहा हूँ, इवेंट शॉप में चलते हैं फिर। और यहाँ पे 5 स्टार रैंक अप टिकट पड़ा हुआ है, तो आप यहाँ से 5 स्टार डायरेक्ट कर सकते हैं फेलेवल को। तो ये फेलेवल 5 स्टार हो गई, और अब 6 स्टार करना है। तो 6 स्टार रैंक अप टिकट भी पड़ा हुआ है यहाँ पे, 6 स्टार उठा लीजिए, यहाँ से भी उठा सकते हैं और यहाँ से भी उठा सकते हैं आप फ्यूचर पास से। यहाँ पे 6 स्टार रैंक अप टिकट पड़े हुए हैं, तो 6 स्टार तो मिल ही जाते हैं, आसानी से मिल जाते हैं 6 स्टार रैंक अप टिकट। तो 6 स्टार हो गई। अब हमारे पास, अगर आपके पास एक्स्ट्रा Tier मेगा Tier 2 पड़ा हुआ है, एक सेकेंड बार बार आ जाता है, और अगर आपके पास एक्स्ट्रा मेगा रैंक अप टिकट पड़ा, मेगा Tier 2 टिकट एडवांसमेंट पड़ा हुआ है, तभी आप फेलेवल को Tier 2 करें, वरना ना करें। अगर आपके पास एक पड़ा है तो रहने दें, और फिर आपने अगर ये रैंक अप टिकट उठा लिए सारे, तो आपके पास तो टोकन सब ख़त्म हो गए, फिर अगले मंथ के इवेंट आएगा ही दोबारा, तब आप जाके ये मेगा एडवांसमेंट Tier 2 टिकट ले सकते, लेके फेलेबल को सीधा डायरेक्ट Tier 2 कर दे, क्योंकि प्रीमियम करेक्टर है, ये पैकेज में डाल रखा है। मैं आपको दिखाता हूँ पैकेज, ये स्टोर में गए, एक सेकेंड कहाँ गए, डेली पिक्स, ये रहा, ये देखिए, ये रहा फेलेबल, 20 बायोमेट्रिक्स डेली में डाल रखा है, जो कि फोकट का नहीं है, पैसा फूकना पड़ेगा तभी ये, 899 का पैसा फूकना पड़ेगा तभी ये जाके बायोमेट्रिक्स मिलेंगे। तो हम फ्री टू प्लेयर की तरह बात करेंगे, फोकट वाले पर महंगे वाले की तरफ नहीं जाएंगे। रैंक अप टिकट मिल रहा है, तो रैंक अप टिकट से सीधा हम डायरेक्ट मेगा Tier 2 टिकट से रैंक अप टिकट डाल के, Tier 2 टिकट डाल के इसको Tier 2 कर देंगे, बस ये सिंपल सा प्रोसेस है। ज़्यादा खर्चा भी नहीं है इसका, इसका बेनिफिट भी है बहुत सारे। यूनिवर्सल टाइप को एक 30% ऑल अटैक देता है, डिक्रीज स्किल डैमेज बाय 25% एंड इंक्रीज बोनस डैमेज बाय 15% का दे रहा है ये, बहुत अच्छे अच्छे बोनसेस हैं इसके। और ये ज़्यादातर
बेटा रेविल के सपोर्ट में आता है, ज़्यादातर ये बेटा रेविल के सपोर्ट में आता है ताकि यूनिवर्सल टाइप को ATK इंक्रीज कर देता है। तो बस यही प्रोसेस है इसका, सिंपल सा, ज़्यादा खर्चा भी नहीं है। बायोमेट्रिक्स तो एपिक कोस्ट मिलने हैं मुश्किल है, लग रहा तो यहाँ से मिल जाएगा, वो भी एक ही मिलता है बायोमेट्रिक्स, ज़्यादा 10-15-20-25 नहीं देगा, ये एक बायोमेट्रिक्स देगा, वो भी लग रहा तो बस नाम का डाल रखा है, बायोमेट्रिक्स मिलते तो है नहीं। और अगर आप यहाँ से बायोमेट्रिक्स ले सकते हैं तो अच्छी बात है, यहाँ से मिल जाएगा आपको 25 बायोमेट्रिक्स से आप अनलॉक कर सकते हैं फेलेबल को, तो ये सीधा अनलॉक हो जाएगी, फिर बाकी का प्रोसेस मैंने बता दिया आपको। तो बस यही प्रोसेस है इसका, सिंपल सा नहीं है, थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ेगा। बस आई होप आपको समझ में आ गया होगा फेलेबल को 1 स्टार से लेकर 6 स्टार कैसे करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।